हेलो फ्रेंड, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 चालू करेंगे। जो अभी आपके पास क्वेश्चन नहीं रहेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर ले। अगर डाउनलोड नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर साइड में क्वेश्चन दिखता रहेगा। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको साइड में भी सम दिखेगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको मीनिंग बताया था, टू टाइप के होते हैं, फीफो और वेटेज। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम फीफो मेथड से करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इट मींस फीफो मेथड। और सेकंड में पार्ट में हम वेटेज एवरेज से करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेट बनाना सबसे सिंपल, ये जो आपका डेट का कॉलम रहेगा, आपको इंडेक्स रहेगा वहाँ पर आपका डेट आ जाएगा। फिर पेज को आपको 3 पार्ट में फोल्ड करना है। तो पहले पार्ट में क्या आएगा, रिसिप्ट, इशू और क्या आ जाएगा, बैलेंस। रिसिप्ट का मतलब क्या रहेगा, परचेज, इशू का मतलब क्या रहेगा, सेल, और फाइनली क्या मिल जाएगा, बैलेंस हमें मिल जाएगा। और तीनों पार्ट तो हमें कर दिया, उसमें भी हर एक पार्ट में क्या करना है, तीन तीन पार्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट प्राइस और अमाउंट, यूनिट प्राइस अमाउंट, यूनिट प्राइस अमाउंट, सब में सेम ही रहेगा। आई होप, मैं एक्सपेक्ट करो आपको फॉर्मेट बनाने आई क्या रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे 2 पेज में बनाएंगे, नहीं, आपको एग्जाम में एक ही पेज पे बनाने, अभी भी आप प्रैक्टिस करना कि एक ही पेज में फॉर्मेट आना चाहिए। अभी तुम बोलोगे सर एकदम छोटा छोटा आएगा, हाँ छोटा छोटा ही हमें लिखना है, क्लियर है। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा स्टॉक लेजर, क्योंकि ये हम क्या बना रहे हैं, स्टॉक का क्या बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। अपने चैप्टर का नाम क्या है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको बोला रहेगा स्टॉक लेजर, डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। तो मैं एक्सपेक्ट करो आपने भी फॉर्मेट, आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा, क्या बोल रहे क्वेश्चन के, यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ पर्टिकुलर प्रीपेयर द रिकॉर्ड ऑफ फीफो एंड वेटेज एवरेज मेथड। हमें क्या करना है, फीफो और वेटेज एवरेज मेथड से क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो पहले फीफो करेंगे, सेकेंड पार्ट जो इसका बनाऊंगा, मतलब अपना थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, वेटेज एवरेज से करेंगे। यहाँ पर डेट दिया है, हमें दिया है 4th जनवरी 2014 को, क्या करें, परचेज 40 यूनिट, रेट कितना दिया है 30, 17 को भी परचेज करें, 20 को सेल करें, 22 को परचेज, 25 लास्ट में देखो क्या बोल रहे, द स्टॉक ऑन हैंड 1st जनवरी 2014 एज अ 50 यूनिट एट द रेट 25 ईच। मतलब क्या करें, 50 यूनिट है, एक द रेट एक यूनिट का प्राइस कितना है, 25 है। ये आइडल अपना 2000 में आया हुआ समय, क्लियर है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, पहले अपने पास क्या है, डेट क्या है यहाँ पर, 1st जनवरी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, 1st जनवरी। तो यहाँ पर डेट क्या आ जाएगा, 1st जनवरी, मतलब 1st 2014, आपको वैसे ही लिखना है 1st जनवरी 2014। और देखो ये क्या है, अपने पास ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आया, तो यहाँ पर क्या आपको लिखना है, ओपनिंग खाली लिख के छोड़ देना है। और उसका बैलेंस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अगर कितना यूनिट बोला है कि 50 यूनिट्स एट द रेट 25 ईच, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 यूनिट, रेट कितना बोला है, 25 बोला है। अगर आपके पास कैलसी मस्ट रहना चाहिए, ये तो आप कर सकते हो, 25 फाइजा कितना होता है, 125 और एक जीरो आ गया, क्लियर है। तो कितना आया, 1250 अपना अमाउंट आया, ये क्या आया, ओपनिंग स्टॉक आया। तो अभी ये जो हो गया, इसको क्या करना है आपको, देखो वापस से इसको क्या करोगे, एक लाइन कर दोगे यहाँ पर, बस ये हो गया ना। इसको क्या करोगे, एक पेंसिल से, एक पतली से एकदम लाइन करो, बस ये हो गया, क्लियर है। आगे एंट्री नंबर 1 क्या बोल रहे, परचेस करें 4th जनवरी 2014 को, कितना 40 यूनिट परचेस करें, रेट कितना दिया है 30। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 4th जनवरी 2014 कितना यूनिट परचेस कर रहे, तो यूनिट में कितना आ जाएगा, देखो यूनिट दिया है हमें 40 और रेट कितना दिया है 30 दिया गया है, क्लियर है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 और क्या आ जाएगा, 20, 40 का 0, 3 का 0, तो 2 आ गया। अभी देखो यहाँ पर तुम बोलोगे सर सेम लिख दे, नहीं, कौन सी मेथड है, फीफो। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले अपने पास फर्स्ट के अपने पास 50 यूनिट पड़ा है, तो पहले वो लिखना पड़ेगा 50, 25 और 1250। उसके बाद ये वाला यूनिट आया ना, पहले तो ये अपने पास 1st जनवरी को पड़ा था, उसके बाद ये वाला यूनिट आया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 40, 30 और 1200। आपको समझा रहेगा मैंने क्या किया, जो ऊपर वाला है उसको लाइन कर दिया, 4th जनवरी को मेरे पास तो पहले 50 यूनिट बचा, उसके बाद 40। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्या करूँ, एक अच्छे से एकदम आप पेंसिल से अच्छे से लाइन कर देना, स्केल रख के, क्लियर है। तो ये लाइन कर दिया, उसके आगे क्या बोल रहे, 17 जनवरी 2014 को वापस से परचेस करें, कितना यूनिट परचेस करें, 60 यूनिट परचेस करें, रेट कितना दिया है 28। 60 यूनिट परचेस करें, रेट कितना दिया है 28, कौन सी डेट है, 17 जनवरी। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 17 जनवरी 2014, कितना यूनिट मैं परचेस कर रहा हूँ यहाँ पर, 60 यूनिट, रेट कितना दिया है 20, 60 यूनिट, रेट कितना दिया है 20 दिया गया है, सॉरी रेट दिया गया है 28 दिया गया है, क्लियर है मेरे को। अभी देखो आपको कैलसी की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो 28 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 60, तो आपको आंसर आ जाएगा
1680 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तुम बोलोगे सर फ़ोन से करेंगे, नहीं एग्ज़ाम में कैलसी अलाउ है, 13 में कैलसी अलाउ है, तो आप कैलसी रख सकते हो। तो अभी देखो ये 17 का 60 यूनिट 28 का तो इतना आया, अभी सेम देखो यहाँ पर लिखते समय पहले अपने पास ये दोनों पड़े तो पहले किसका आएगा, इन दोनों का नाम आ जाएगा। पहले 50 यूनिट 25 तो कितना हो गया रेट, वह अमाउंट कितना 125, वापस से 40 30 1200, क्लियर है। वापस से ये जो अभी तो ये वाला आया ना, तो ये इसको एंड में आ जाएगा 60 28 और 1680 आ जाएगा, क्लियर है। अभी क्या करना है, हो गया तो पेंसिल से अच्छे से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर मैं भी एक अच्छे से क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पर अच्छे से आप लाइन ड्रॉ कर दो, क्लियर है। आई होप आप मेरे साथ करते रहोगे। पहला वापिस से बता रहा, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस में उसका परचेस कर रहे थे तो ये 50 + 40 दोनों को ऐड करेंगे, 17 में वापिस से परचेस कर रहे थे तो ये परचेस आ गया, क्लियर है। तो पहले ये दोनों था, उसके बाद ये 60 वाला, तो 60 को यहाँ पर लिखेंगे। टोटल अपने पास तीन चीज़ क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे। अभी सेल करेंगे तो वेरी फर्स्ट कौन सा, 60 में से करेंगे 40 में से कि 50 में से। वेरी फर्स्ट क्या है, 50, तो वेरी फर्स्ट 50 में से सेल करेंगे, 40 में से उसका 60 में से क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। आगे एंट्री नंबर 20 January 2014 क्या बोल रहे हैं, सेल करें, कितना यूनिट सेल करें, 50 यूनिट, और रेट कितना दिया है 35। देखो एक बात याद रखो, हम 50 यूनिट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और रेट कितना दिया है हमें 35। तो देखो यहाँ पर रेट आएगा नहीं, आपको रेट लिखना ही नहीं है, हम जो रेट है उसी रेट पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो कितना दिया है हमें 20 January, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 20 January 2014, कितना यूनिट सेल कर रहे हैं, 50। तो यहाँ पर यूनिट में कितना आ जाएगा, 50। रेट कितना लूँगा, 25। तुम बोलोगे वहाँ पर तो सर 35 रेट दिया गया, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, जितना रेट हम सेल किया उससे ही हमें क्या करना है, लेना देना है। तो 50 और 25, तो ये कितना आ जाएगा, 1250। तो तुम बोलोगे सर उसके अंदर जो रेट दिया है वो उसे क्या करना है, हमें कैंसिल करना है, उसको इग्नोर करना है कि वो रेट हमें आएगा नहीं, क्लियर है। तो वो डायरेक्ट वो चला गया, तो तुम बोलोगे 35 वाला रेट उसे लेना ही नहीं है, अगर कुछ कुछ समय तो देते ही नहीं है सेल्स करते समय रेट, तो हमें यही रेट पर लेना है। देखो ये 50 था, 50 का 50 पूरा बेच दिया, तो कुछ बैलेंस बचा है नहीं, तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं ना, ये पूरा क्या करते हैं हमने सेल, तो कितना आ जाएगा 40 30, और ये कितना आ जाएगा, ये सेम अमाउंट क्या करूँ नीचे लिख दो, 60 28 और 1680 क्या करूँ, सेम अमाउंट लिख दो। अभी क्या कर दो, वापस इसको क्या करो कि पेंसिल से आप अच्छे से क्या करो, लाइन ड्रॉ कर दो। आगे क्या बोल रहे, 22 वो क्या कर रहे, परचेस कर रहे, कितना 80 यूनिट, रेट कितना दिया है 20, तो कितना 22 को 22 January 2014 कितना यूनिट में परचेस कर रहा हूँ, 80 यूनिट, रेट कितना दिया है 20 यूनिट, रेट कितना दिया है 29, क्लियर, 80 यूनिट परचेस कर रहा हूँ, रेट कितना दिया है 29। तो आपके हाथ में क्या रहना चाहिए, कैलसी, 80 मल्टीप्लाई बाय कितना करो 29 करो, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 2320 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये सेम अमाउंट देखो अभी यहाँ पर परचेज कर रहे थे, तो अपने पास देखो अभी ऊपर वाला भूल जाने का, उसके नीचे वाला देखो ये 40 बचा है, तो पहले 40 आ जाएगा, 30 1200, उसके बाद 60, ये जो जैसा है वैसा इतना आया 1680, उसके बाद ये वाला आया ना, तुम बोलोगे सर 50, अरे वो हमने बेच दिया तो उसका आएगा नहीं, चला गया, क्लियर है। वापस से ये 80 29 और 2320 अपना आ जाएगा, क्लियर है। वापस इसको क्या करो, एक अंडरलाइन कर दो। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, क्लियर है। जैसे जैसे हम ये सेल कर दिया तो वो नहीं आएगा, उसके बाद ये चला गया 50, तो यही बैलेंस बचा, उसके बाद 80 परचेस करे, तो पहले ये दो बैलेंस आया, उसके बाद किसका आ गया, 80 का आ गया। आई होप आप समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे 25 January क्या बोल रहे हैं, हम 80 यूनिट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रेट दिया है 33। मैंने बताया था रेट हमें लेना ही नहीं है, हमें खाली इतना याद रखना है कितना यूनिट सेल कर रहे हैं, 80 यूनिट सेल कर रहे हैं। कभी 25 January को क्या कर रहे हैं, हम 80 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँ 25 January 2014 80 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो किस में आएगा, इशू में आएगा। देखो 80 यूनिट बेचना है तो सबसे पहले अपने पास कितना है, 40, तो ये 40 वाला बेच देंगे, उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, 40 बेचेंगे, टोटल हमें 80 सेल करना है। तो वेरी फर्स्ट ये अपने पास 40 है, तो मैं क्या करूँ, 40 को क्या करूँ, सेल कर दूँ 40 30, और ये कितना आ जाएगा 1200। उसके बाद देखो ये 60 है, पर हमें टोटल कितना सेल करना है, 80, 40 हमने बेचा, और 40 क्या करूँ इसमें से सेल करूँ, रेट कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, क्लियर है। तो अभी आपके पास कैलसी रहेगा, 40 × 28 आप करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 1120 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और देखो 80 सेल करना था, पहले अपने पास 40 था, तो इसमें से पूरा हमने 40 बेच दिया, इसमें से भी कितना बेचा हमने, 60 में से कितना बेच दिया 40, तो कितना बचा,
20 बचा है कि नहीं बचा है, तो यहाँ पर 20 और 20 का रेट कितना दिया है हमें, 28 दिया गया है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई बाई 28 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 560 अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और जो उसका उसके बाद ये देखो, इसमें से 60 में से 40 बेचा तो बचा कितना, 40, और ये 80 पे तो पूरा ही जैसा है वैसा ही बचा है। तुम बोलोगे सर 80 आया तो क्यों ना हम ये 80 वाला ही बेच देंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। कौन सा मेथड है, फीफो, तो मतलब जो फर्स्ट इन होगा, जो फर्स्ट इन हुआ वही क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो फर्स्ट इन हुआ वही फर्स्ट आउट होगा, क्लियर है। तो ये 80 उसका रेट कितना दिया है, 29, तो 2320 अपना आंसर आया। आगे क्या बोल रहे हैं, 28 जनवरी को क्या करें, हम 20 यूनिट सेल कर रहे हैं, रेट उसका दिया है 34, तो रेट तो हमें देखना ही नहीं है, 28 जनवरी 20 यूनिट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँ, इसको एक काम करो, अंडरलाइन करो 28 जनवरी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 28 जनवरी 2014, क्लियर है। कितना यूनिट सेल कर रहे हैं हम, 20, तो देखो 20 अपने पास ऑलरेडी है ही, तो उसका रेट कितना लिखूँ, 28 लिख दूँ तो कितना आ जाएगा, 560 अपना आंसर है। तो बचा कितना अपने पास, 80 यूनिट बचा, रेट कितना दिया है, 29, और 2320 हमें आंसर मिल जाएगा, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये 29 मुझे क्या मिला, ये इसका रेट दिया है, ये अपने पास 20 और 80 था, 20 बेच दिया तो बचा कितना है, 80, उसका रेट 29, तो 2320 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आगे एंट्री क्या बोल रहे हैं, 30 जनवरी को क्या करें, हम परचेस करें, कितना यूनिट परचेस करें, 100 यूनिट परचेस करें, रेट कितना दिया है, 26 दिया गया है। तो यहाँ पर 30 जनवरी में लिखूँ, 30 जनवरी 2014, क्लियर है। कितना यूनिट परचेस कर रहे हैं, 100, रेट कितना दिया है, 26, तो कितना आ जाएगा, 260020 पीछे लिख दो। अभी यहाँ पर उसका सेम अमाउंट बैलेंस में, तो अपने पास पहले कितना बचा है, 80, तो पहले 80 वाला लिख दे, क्लियर है, 2320। तुम बोलोगे सर ये 20 अरे 20 तो हमने सेल कर दिया ना 28 को, तो क्लियर है। और यहाँ पर ये 100 जैसा है वैसा 100, 26, रेट कितना दिया गया है, 2600 दिया गया। इसको क्या करो, पेंसिल से आप अच्छे से क्या करो, अंडरलाइन कर दो। आगे आपको समझा रहेगा, हर परचेस किया तो डायरेक्ट उसके नीचे आ जाएगा, उसका 31 को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रेट कितना दिया है, 90 यूनिट सेल कर रहे हैं, रेट 35, तो रेट तो हमें लेना नहीं है, सेल करते समय रेट क्या करना है, लेना नहीं है। तो 31 जनवरी 2014 90 यूनिट सेल करना है, तो पहले अपने पास कितना है, 80 यूनिट है, तो पहले मैं क्या करूँ, 80 यूनिट को क्या करूँ, बेच दूँ, रेट कितना दिया गया है, 29 2320। तुम बोलोगे सर डायरेक्ट इसमें से ही बेच, नहीं पहले 80 बेचा और कितना बेचना है, 10, क्योंकि टोटल 90 सेल करना है, तो ये 10 यूनिट इसमें से चला जाएगा, रेट कितना रहेगा, 26, तो आपको आंसर आ जाएगा 260, और बैलेंस कितना बचा, 80 पूरा चला गया, ये कितना बचा, 90 बचा, रेट कितना आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाई कितना करना है आपको, 90, तो आपको कैल्सियम में 26 मल्टीप्लाई अगर आप 90 करोगे तो आपको आंसर आएगा 2340 आपको आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके भी नीचे एक और क्या करो, अंडरलाइन कर दो। आई होप आपको समझा रहेगा, इतना यूनिट बेचना था तो इतना मैंने क्या कर दिया, 90 बेचना, तो पहले 80 बेचा और 100 में से 10, तो कितना बचा, 90 यूनिट बेचा, क्लियर है। आई होप आपको समझा रहेगा मैं कैसे क्या किया। एंड में आपको लिखना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 जनवरी 2014, कितना है, 90 यूनिट है, तो देखो अपना 90 यूनिट बचा, रेट कितना, एट द रेट रुपीज़ 26, तो कितना रुपीज़ कितना है, 23240 आपको आंसर। आई होप आप इतना लिखा रहेगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में वेटेज एवरेज से करेंगे।